प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। मसीह में मेरे प्रियो, प्रभु यीशु के नाम में मैं आप सभी लोगों को इस चैनल में स्वागत करता हूँ। आप सबका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप इस नया साल में खुशियाँ मना रहे और परमेश्वर की आशीषों का अनुभव ले रहे। हालेलुया। परमेश्वर इस नया साल में आप सबों को बहुत ऐसे आशीष करे, अपने वचनों के अनुसार नई नई आशीषें आपके जीवन में प्रभु लाए, आपके परिवार में लाए। प्रभु के वादा के अनुसार प्रभु आपके जीवन में एक नई बात करने जा रहा है, एक नया काम करने जा रहा है, और विश्वास के साथ उस परमेश्वर का काम को हम देखेंगे। परमेश्वर के नई नई आशीषों का अनुभव, आनंद हम उठाएंगे। प्रभु इस नया साल प्रभु आपके लिए बहुत ऐसे आशीष करे। एंजॉय दिस ईयर, दिस ईयर इज़ गिफ्टेड बाय गॉड। ये नया साल परमेश्वर की ओर से हम सबके लिए एक इनाम है, एक तोहफा है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए भी। आज भी हम प्रभु का एक और वचन को ध्यान करेंगे, नीति वचन 16 अध्याय का 20 वचन, प्रोवर्ब्स चैप्टर 16 वर्स 20। जो वचन पर मन लगाता वह कल्याण पाता है, और जो यहोवा पर भरोसा रखता वह धन्य होता है। हालेलुया। एक और बार पढ़ रहा हूँ, जो वचन पर मन लगाता वह कल्याण पाता है, और जो यहोवा पर भरोसा रखता वह धन्य होता है। हालेलुया। हाँ मेरे प्यारों, जो परमेश्वर के वचन पर मन लगाते हैं वह कल्याण पाता है, उनका कल्याण होता है, उनका भला होता है। और परमेश्वर का वचन जीवित है, हमारे साथ बात करता है, हमारे जीवन को बदलता है, बुराई रास्ता से निकालकर हमें सही मार्ग में लाता है, पवित्र जीवन हमें देता है। परमेश्वर का वचन हमें सही रास्ते में चलाता है, परमेश्वर के मार्ग में चलाता है। और प्रभु का वचन जीवित है, और वही प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह ही जीवित वचन है, क्योंकि यूहन्ना 1:1 में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर था। प्रभु यीशु मसीह ही जीवित वचन है, और जो परमेश्वर के वचन पर मन लगाता है वह कल्याण पाता है, उसका भला होता है, और जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह धन्य होता है। आमेन। जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वह धन्य होता है। हाँ मेरे प्यारों, हम इंसान पर नहीं परमेश्वर पर भरोसा रखें तब हम धन्य कहलाएंगे। और जब परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं ना, परमेश्वर हमारे विश्वास को कभी धोखा नहीं देता है। जो हम प्रभु पर विश्वास किया है, प्रभु जरूर आपके आशा को पूरी करेंगे। एक दिन वो हमें लेने के लिए आएगा, हमें अपने साथ ले जाएगा। और जो प्रभु पर भरोसा रखता है जरूर उसका काम पूरा होता है, क्योंकि परमेश्वर इंसान के जैसे बदलने वाला नहीं है। जो प्रभु पर विश्वास करता है प्रभु आखिरी सांस तक उनकी रक्षा करता है, उनकी सहायता करता है। और परमेश्वर के वचन पर मन लगाइए, यीशु मसीह में लगन लगाइए, यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए, तब आपका कल्याण होगा, आपका भला होगा, और प्रभु का वचन आपके जीवन में काम करेगा। प्रभु आपका जीवन को बदल देगा, आपके जीवन में नई नई आशीषों को लाएगा, जब प्रभु के वचन पर हम मन लगाते हैं, यानी जो यीशु मसीह में मन लगाता है प्रभु उसका कल्याण करता है, और जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वो धन्य कहलाते हैं। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबों को बहुत ऐसे आशीष करें। एक छोटी सी दुआ करेंगे। आसमानी बाप, प्रभु यीशु के नाम में आपको धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। धन्यवाद जो मेरे भाई बहन सुने हैं, प्रभु जी उन सबों को आशीष कर। प्रभु जी होने दे प्रभु कि हम आपके वचनों पर मन लगाएं ताकि हमारा कल्याण हो, और प्रभु होने दे हम आप पर भरोसा रखें। हम आप पर भरोसा रखते हैं प्रभु जी, आप में हम धन्य हैं प्रभु जी, तूने हमें धन्य कहा है, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आपके वचन के अनुसार हमारे जीवन में काम करिए, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु इस वचनों के द्वारा आप सबों को बहुत ऐसे आशीष करें। अगर कोई नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दूसरों तक भी शेयर कीजिए। प्रभु का महिमा हो, आमीन।